राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले सपा के बागियों को शिवपाल यादव की चेतावनी जानिए क्या कहा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के अटकलों पर महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि वे लोग समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते थे अगर ऐसा होता तो आगे हमें भी देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए मतदान नौ बजे शुरू होगा इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने बागियों को चेतावनी दी है राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के अटकलों पर समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव ने कहा की वे लोग समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते थे अगर ऐसा होता तो आगे हमें भी देखना पड़ेगा इसके अलावा सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि जो भी धोखा देगा अपनों को धोखा देगा जनता देख रही है क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी नेता राजेंद्र चौधरी ने राज्यसभा चुनाव पर कहा कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करेंगे वे लोकतंत्र के हित ऐसी नहीं है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं जो भी धोखा देगा वो अपनों को धोखा देगा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव पर कहा कि हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी जीतेंगे जो दूसरों के लिए काटब होते हैं या गड्ढा खोदते हैं वे खुद ही उसमें गिरते हैं भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है जिन्हें कुछ लाभ मिलना होगा वे चले जाएंगे ब्रिजेश पाठक बोले जीतेंगे सारे प्रत्याशी कांग्रेस ने भी खोले पत्ते वही उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा की बीजेपी के आठ प्रत्याशी जीतेंगे विधायकों का आशीर्वाद बीजेपी को है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पाठक ने राज्यसभा चुनाव पर कहा कि भाजपा को सभी विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है हमारे आठों प्रत्याशी जीतेंगे इसके अलावा यूपी कांग्रेस के सह प्रभारी धीरज गुर्जर विधायक वीरेंद्र चौधरी को लेकर सुबह दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं उनका कहना है कि मोना मिश्रा और वीरेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को वोट करेंगे कांग्रेस विधायक का आराधना मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपना गठबंधन धर्म निभाएगी हम और हमारे साथी वीरेंद्र चौधरी सपा को वोट करेंगे वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि हम लोग गठबंधन धर्म निभाएंगे